आज अमेज़न यूएस से पापा के लिए वो इक्विपमेंट आ गया है। ये इक्विपमेंट में तीन चीजें हैं, बस बहुत ही सिंपल है। तीन चीजें हैं, एक है ये मैट, ये जमीन पे रहेगा और इसको कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ एक मैट को आपको बेड के बगल में रखना है। ये मैट के साथ है ये एक मॉनिटर। ये मॉनिटर में मैंने ऑलरेडी तीन बैटरी पीछे की तरफ से डाल दिया है और अब ये मॉनिटर में साइड में एक जगह लिखा हुआ है ऑफ और एक जगह लिखा हुआ है चाइम। अगर मैं इसको चाइम पे सेट कर दूं, बस ये एक्टिव हो गया। मॉनिटर के उस तरफ आपका वॉल्यूम का बटन है, लो, मीडियम और हाई। अभी मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। तो ये मॉनिटर रहेगा सुनीता के पास और मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये मॉनिटर को इस मैट से थोड़ी दूरी पे हमारे दूसरे रूम में रख देता हूं। ये यहां पे रख दिया हूं मैं मॉनिटर। अब मैं वापस ये मैट पे आता हूं और अभी हम देखते हैं अगर मैं मैट के ऊपर खड़े हो जाऊं तो क्या होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये प्रेशर मैट है, इसके ऊपर आप स्टेप करोगे तो अलार्म एक्टिवेट होगा। तो आप देखते हैं अलार्म एक्टिवेट होता है कि नहीं। अगर आप कैमरा को पॉइंट करोगे तो अभी अलार्म एक्टिवेट हो गया है और वो बजता रहेगा अलार्म। ये तब तक बजता रहेगा जब तक जो मॉनिटर करने वाली सुनीता इसको ऑफ ना कर दे। जैसे वो ऑफ कर दे फिर वो जाके पापा को अटेंड कर सकती है। एक बार ऑफ करने के बाद इसको फिर से आप एक्टिवेट करने के लिए वापस चाइम पोजीशन पे कर दे ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाए। ये गैजेट के साथ एक दूसरा कंपोनेंट है जो एक कॉल बटन है, बहुत ही सिंपल है। ये भी पीछे से खुल जाता है और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक बैटरी डाल दिया है। ये पापा अपने पास रख सकते हैं या इस तरीके से लगा भी सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े हेल्प का तो पापा को इस कॉल बटन में बस ये बीच सेंटर पॉइंट पे प्रेस करना है। वो ऐसे प्रेस कर देंगे तो अलार्म मॉनिटर एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखते हैं इसको दबाने से क्या होता है। जैसे कि मैंने प्रेस किया और ये मॉनिटर एक्टिवेट हो गया। तो इससे जो हेल्प देने वाली सपोर्ट स्टाफ जो भी है वो अलर्ट हो जाएगी कि ये काम कर रहा है और वो फट से आ जाएगी मदद करने के लिए। ये बताओगे कि दोनों चीज़ एक ही बीपर से काम करता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। दोनों ये मैट और ये कॉल बटन प्रोग्राम बुक के इस मॉनिटर से लिंक है, तो दोनों के लिए सिर्फ एक ही मॉनिटर है। अब मैं दिखाऊंगा बहुत ही लास्ट 10 सेकंड्स वीडियो में, ये मैट को मैं बेड के बगल में रख दूंगा और फिर दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा जब पापा बेड से रात को उतरेंगे। अगर पापा ऐसे बेड पे लेटे हुए, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मॉनिटर ऑन है कि नहीं। जैसे कि पापा बेड पे लेटे हुए हैं रात को और अचानक से उनकी नींद खुलती है बाथरूम जाने के लिए, तो वो उठेंगे और उठने के बाद वो ऐसे आएंगे और जैसे अपने पैर रखेंगे तो देखिए वो मॉनिटर बजना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता है श्वेता, मुझे दोनों ऐसा लगता है कि इससे काफी मदद होगा पापा के मॉनिटरिंग करने में।